सभी आंगनबाड़ी बहनों को मेरा नमस्कार। तो चलिए पोषण ट्रैकर ऐप में एक बार फिर से चार नए अपडेट के साथ पोषण ट्रैकर ऐप में क्या क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप से रिकॉर्डिंग ये अपडेट है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। आगे कैसे काम करना है इसके बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो प्ले स्टोर है इस प्ले स्टोर को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर जैसे ही लिख के सर्च कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आ चुका है। और ये जो अपडेट है मैं आपको बता दूं, ये जो अपडेट है वो 15.2 का ये न्यू अपडेट आया हुआ है। और यहाँ पे हम आपको एरो पे क्लिक करके दिखा देते हैं कि इसमें चार नए अपडेट क्या आए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको चारों अपडेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ और उसके बाद पोषण ट्रैकर ऐप पर चल के आपको लाइव दिखाऊँगा कि क्या क्या ये बदलाव हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पहला जो अपडेट है बेनिफिशरी प्रोफाइल कार्ड इंट्रोड्यूस, यानी कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी बेनिफिशरी की कैटेगरी है उन सभी के लिए एक प्रोफाइल कार्ड बनाया गया है जिसमें कि आप उनका पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। दूसरा अपडेट क्या है, डिलीवरी डेट फील्ड विल बिकम एक्टिव ओनली इफ प्रेगनेंसी मंथ देन 6 मंथ, यानी कि ये जो दूसरा अपडेट है वो कह रहा है कि जो गर्भवती महिला है अगर उनका 6 मंथ से कम उनका प्रेगनेंसी डेट होता है और आप वहाँ पे डिलीवरी डेट वहाँ पे भरने जाते हैं तो आपका डिलीवरी डेट नहीं भरा जाएगा। 6 मंथ के ऊपर होने के बाद ही आप वहाँ पे डिलीवरी का डेट भर सकते हैं। तीसरा अपडेट देखिए काफ़ी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐप विल थ्रो एरर मैसेज इफ़ द डिवाइस डेट एंड टाइम इज टेम्पर्ड विथ, यानी कि ये जो तीसरा अपडेट है ये कह रहा है कि पोषण ट्रैकर यानी कि आपका जो डिवाइस है अगर आपने अपने डिवाइस में पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल किया है और इसके डेट एंड टाइम से आप लोग छेड़छाड़ करते हैं तो आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो ओपन ही नहीं होगा। और चौथा जो अपडेट है वो आप सभी को पता है, माइनर बग फिक्सेस, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे चार अपडेट आए हैं। चारों अपडेट को चल के हम आपको वहाँ पे लाइव दिखाने वाले हैं कैसे ये काम करेंगे। यहाँ पे आप नीचे आके देख सकते हैं इसका जो वर्जन है 15.2 का ये अपडेट आ चुका है। चलिए सभी आंगनबाड़ी बहनें पोषण ट्रैकर ऐप को फटाफट से अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद हमारे इस वीडियो को भी फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी नई आंगनबाड़ी सेविकाएं हमारे इस वीडियो को देख रही हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट हो रहा है, 1 से 2 मिनट का समय लेगा, आप लोग यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। जब तक ये अपडेट हो रहा है आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो हमारा ये पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्टली यहीं से इसको ओपन कर दे रहे हैं। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप का डैशबोर्ड है यहाँ पे आपको कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिशियरी वाली कैटेगरीज में, जो पहली अपडेट आई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेनिफिशियरी वाली कैटेगरीज को ओपन करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी आप लोगों को बेनिफिशियरी यानी जितने भी लाभार्थी का कैटेगरी आप लोग देख रहे हैं किसी भी लाभार्थी के कैटेगरी को आप लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे जो बच्चों का नाम दिखाई दे रहा है इन बच्चों के नाम के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोगों को एक प्रोफाइल कार्ड बना के दिया जा रहा है। जैसे कि आप लोग आधार कार्ड या कुछ भी कार्ड आप लोगों के पास होता है उसी प्रकार से यहाँ प्रोफाइल कार्ड को यहाँ पर इस प्रकार से लॉन्च किया गया है। इसमें आपको सभी डिटेल्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को बोल रहा है, यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई किया जा चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं यह कि बच्चे के माता का नाम यहाँ पे दिखा रहा है, इसका एज कितना हुआ, जेंडर, सभी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। और नीचे यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में सभी डिटेल्स देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आपने कब इसको अपडेट किया है इसके बारे में भी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोफाइल अपडेट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे अपडेट की ओर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर। जो दूसरा अपडेट आया है यहाँ पर गर्भवती महिला वाली कैटेगरी में आया है। जैसा कि जो अपडेट आया है कि अगर गर्भवती महिला 6 मंथ से ऊपर हो जाती है यानी 7 मंथ का हो जाती है गर्भवती महिला तो उसके 3 डॉट पे जाके उसका जो डिलीवरी का डेट है उसको हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कमियाँ भी बताने वाला हूँ क्योंकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी कमियाँ हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो अपडेट आया है यानी 6 मंथ से
ऊपर हो जाने के बाद उसका जो गर्भवती का डिलीवरी डेट है वो हम लोग डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाले पे क्लिक कर देते हैं। बेनिफिशरी इज़ ओनली मंथ प्रेग्नेंट, डिलीवरी डेट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 मंथ। यानी कि अगर ये गर्भवती महिला 7 मंथ से ऊपर हो जाती है तभी आप लोग यहाँ पे डिलीवरी की डेट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कमी क्या हुई है चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 9 मंथ की ये गर्भवती महिला हो चुकी है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही आपको देखने को मिल रहा है, बेनिफिशरी इज़ ओनली मंथ प्रेग्नेंट, डिलीवरी डेट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 मंथ। यानी कि जब मान लीजिए कि जो गर्भवती महिला 9 मंथ की हो गई है उसका डिलीवरी डेट हमें डालना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे खुल के नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एक और हम यहाँ पे 7 मंथ की जो गर्भवती महिला हो चुकी है उसको भी यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाले पे क्लिक करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है, यानी कि अभी जो ये दूसरा अपडेट है इसमें थोड़ी सी कमियाँ हैं, इसको भी जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे अपडेट की ओर। जो तीसरा अपडेट यह है कि अगर आप अपने मोबाइल में डेट और टाइम को बैक जाके उसको सिलेक्ट कर लेते थे, जैसे कि कई लोग ऐसा करते थे जैसे उनका हाजिरी छूट जाता था या पोषण ट्रैकर ऐप में कोई भी काम छूट जाता था तो वो बैक डेट में जाके वो काम कर लेते थे। लेकिन चलिए मैं अब आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ डेट और टाइम चेंज करके कि यहाँ पर उसके बाद क्या दिखा रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे टाइम लिख के सर्च किया हूँ तो यहाँ पे जो डेट एंड टाइम का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम का जो ऑप्शन है हम यहाँ पे ऑफ़ कर दिए हैं। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे हम इस डेट को चेंज करेंगे और यहाँ पे हम इसको 1 तारीख पे सेट करेंगे और फिर चलेंगे कि हम वहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने मोबाइल का डेट और टाइम चेंज कर दिया है और चेंज करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लिखा गया है जिस टाइम स्टैम्प का अनुरोध किया गया था वह अमान्य है। यानी कि अगर आप लोग टाइम टेबल से छेड़छाड़ करते हैं तो आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग डेट और टाइम को चेंज नहीं कीजिएगा, जो ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम रहेगा उसी डेट और टाइम से आप लोग अपने पोषण ट्रैकर ऐप में काम कीजिएगा। और जो चौथा अपडेट है माइनर बग फिक्सेस का, तो आप लोगों को पता है जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो पोषण ट्रैकर ऐप जल्दी काम नहीं करता है, आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप अब अच्छे से काम करेगा। तो इस प्रकार से थी आप लोगों के लिए 4 इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी था। उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।